प्लीज ना रिक्वेस्ट है मेरी, आना ठीक है। वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी सुबह सुबह के 12 बज रहे हैं, तो उसको हम सुबह नहीं उसके बोलते हैं दोपहर। और अभी हमारे साथ कुछ लोग आए हैं, जस्ट अभी अभी ये लोग पहुंचे हैं। तो सर, अरे सर, चेहरा मत छुपाइए, थोड़ा अपना अपना इंटरव्यू दीजिए। ये हम लोग तीसरा मतलब व्लॉग होगा आपके साथ, तीसरे व्लॉग में दिख जाएंगे हम लोग। और ये भाई तो खुद व्लॉगर है यार, बस व्लॉग करते नहीं है। नहीं तो मेरा कैमरा लेकर ही व्लॉग करने लग जाता है अरे। और अभी नरेश है वो 10 गाड़ी से सामान वामान निकाल रहा है, और कैमरा कैसे 180 डिग्री। अरे आप कोरबा आते हैं ना तो ऐसी डस्ट मिलेगा, सीट पोछते रहो गाड़ी 2 मिनट खड़ा करो। पाउडर लगा के आने की जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत मेरे को तो है ही नहीं, बचपन से मेरे को मैला हो जाएगा ऐसा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमें मिले हैं जयंत भाई, और इनका भी यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी अभी आज और कल के ब्लॉग में यही नजर आते रहेंगे। और इन्होंने मुझे आज हल्दी लगाया, और मैं क्या ही बोलूँ, मैं उसके लिए रेडी नहीं था, मैं तुरंत जाके धो के आया हूँ। बाकी तो भी हल्दी में है तो हल्दी नहीं लगवाएंगे तो क्या लगवाएंगे बताओ। अरे मैं रेडी नहीं था उसके लिए, बट थैंक यू सो मच हल्दी लगाने के लिए। और ये मेरा कजन भाई है, क्या नाम है इनका? सचिन लकड़ा। सचिन ओके, मम्मी बड़ी मम्मी मेरी। हाँ जय शिव, ठीक है बाद में मिलते हैं। हाँ जरूर, घूम के आओ, ये थोड़ा व्यवस्था के लिए जा रहे हैं, हम भी आते हैं इनके व्यवस्था में। और ये डबल व्यवस्था के लिए जा रहे हैं। हाँ मेरा मेरा अलग व्यवस्था है, मैं शादी घर की व्यवस्था में ही जा रहा हूँ। अच्छा, फिलहाल हम आए हैं अभी अपने एक सब्सक्राइबर के यहाँ, जो हमें कई महीनों से बुला के रखी है, कई महीनों से कुछ देना चाह रही थी, वो हम ले नहीं पा रहे थे, बट आज हम उनके घर फिर आ गए हैं और यहाँ से लेकर के जाएंगे, मिलाते हैं आपसे। तो एक्चुअली मैं इनके घर पहले भी आ चुका हूँ, आपने देखा होगा व्लॉग, और यहाँ पे ना मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स आए हुए हैं। ये इन्होंने खुद ने बनाया है, और एक ये है, ज़्यादा ही सो गया, और एक ये है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये प्रतीक तो बोल रहा था कि अगर वो कुजूर होता ना तो वो लेके चले जाता। कुजूर ही तो है। कौन? निकुंज जो है। वो निकुंज है। मैं कुजूर होता तो। हाँ, वो कुजूर होता तो वो ले आता। हाँ, तो फिर ये सब मिला है मुझे, और थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं बहुत पहले से ये मतलब देने का सोच रही थी, बट दे नहीं पा रही थी, फाइनली आज मौका मिला। और वो वहाँ जो बैठी है ना, वो हाँ, वो ही बोली। हाँ। मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। अच्छा मेरे को नाम बता दो, मैं बता दूंगा इधर। श्वेता। और क्या करते हैं आप? एमए कर रहे हो? एमए मतलब एग्जाम दिए हो या फिर? ओके। और तो और वो बता ना कि पिछली बार आप नहीं निकले थे। अरे आप बता दो। और क्यों नहीं निकले थे वो बताना है? शर्म आ रहा था, फर्स्ट टाइम था, शर्म आ रहा था। हाँ तो ये तो आपने खुद नहीं बता दिया। अब वीडियो बना रहे हो ना? हाँ। एक्चुअली पिछली बार भी आया था ना, तो वो भी थी, बट वो पता नहीं शर्मा रहे थे तो नहीं आ पाए थे। तो फिर मेरे जाने के बाद आपको लगा कि निकलना चाहिए, मुझसे मिलना चाहिए? बहुत ज़्यादा।
इसलिए अभी तुरंत आ गया ना। एक और बात है, मेरी एक और बहन है, मेरी जो खुद की बहन है, बट वो अंदर है, वो नहीं आएगी। अरे बाप रे, वो भी बहुत ज्यादा क्या बोल रही थी कि अरे तीसरी बार आना पड़ेगा मेरे को। मैं जितनी बार आऊंगी उतनी बार एक बहन निकलेगी। तीसरी बार आएंगे ना तो वो निकलेगी। अरे यार फिर तो मतलब जब भी आऊंगा एक बहन और बढ़ेगी यहाँ पे। वो अभी जस्ट खाना खा रही थी ना, तो फिर क्या नाम उनका? मनीषा। मेरा मनीषा, उसका नाम मनीषा। अच्छा, तो हेलो मनीषा जी, मैं आपके घर में बैठा हुआ हूँ। अगर आप ये ब्लॉग देख रही हैं तो अगली बार आऊँगा तो प्लीज़ मुझसे आके मिलिएगा, ठीक है? मैं अगली बार ना आपसे मिलने आऊँगा, ठीक है? तब शायद आ सकती है। प्लीज़ ना, रिक्वेस्ट है मेरी, आना, ठीक है? चलो इस बार मैं खड़े रहूँगी। तो ये एक्चुअली पिछले बार बोले थे ना, क्या बोले थे पिछले बार? बहुत कुछ बोली थी मैं, आज ये बोल रही हूँ, नहीं बोल पा रही है गाइस, तो प्लीज माफ करिएगा। ठीक है, नाम बता दो, नाम बताई थी मैं कब? हाँ बताई थी ना, कैमरा चालू नहीं था उस टाइम, फिर से बोलो। श्वेता किंडो। और अभी ये एक बहन, दो बहन, तीसरी बहन अंदर है। हाँ, वो नेक्स्ट जब आप आएंगे ना तब आएगी। मतलब यहाँ यहाँ आने का ना मेरा रूल हो गया कि मैं जब भी आता हूँ तो एक बहन अंदर से निकलती है। नहीं नहीं बहन, तो नेक्स्ट टाइम वो निकलेंगे, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच ना, और आप बहुत ज्यादा आते रहिएगा। हाँ, मैं तो आते ही रहूंगा, यहाँ से इतनी सारी बहन निकलेंगी ना अभी, तो मैं आते रहूंगा यहाँ पे। बाकी गुजिया खाने आना। हाँ, गुजिया क्रिसमस में। हाँ बिल्कुल, लेके आइएगा, बोल दो। हाँ, समा भाभी आइएगा, ठीक है? इधर को नहीं बुला रही है। हाँ, सब मतलब सब फैमिली के साथ, समस्त परिवार। इनका 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 नाम नाम ना बताओ। मेरे मिजांस पेटा। अब जना गना मना तुते भाग्य चलिए ठीक है। ठीक है। तो हम ना यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, तो यहाँ पे हमको मिल गई है कौन सी है यार, हाँ, मारुति सुजुकी नेक्सा। और यहाँ पे खड़ी है ग्रैंड विटारा, जो मुझे पहली बार दिखी है, और मैं ना इसको देखना चाहता था लाइव, छू करके, बैठ करके, उसमें कितना स्पेस है, डिक्की में कितना स्पेस है, क्योंकि आने वाला टाइम पे थोड़ा अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, बट अभी नहीं, 5-6 साल बाद, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा गाड़ी देख लेते हैं यहाँ पे क्या सीन है यहाँ का, और थोड़ा प्राइस वगैरह भी पूछ लेते हैं। आप लोग भी शायद नहीं देखे होंगे लाइव, तो कोरबा में आके देख लो, यहाँ पे मारुति सुजुकी का नेक्सा है ना, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ठीक है? हेलो गाइस, मैं सत्या कोरबा नेक्सा शोरूम से हूँ, और हमारे यहाँ रिसेंटली अभी ग्रैंड विटारा भी अवेलेबल है। आप किसी को भी देखना हो तो शोरूम पे अवेलेबल है गाड़ी, आप देख सकते हैं, टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू। तो प्लीज़ आप लोग आके विजिट करिए अगर आप नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छी खासी एसयूवी है, बहुत सारे फीचर्स भी हैं, और मैं यहाँ बैठ, मतलब मेरे को ये गाड़ी देखना था बैठ करके, हालांकि अभी टेस्ट ड्राइव अवेलेबल नहीं हुआ है, बट कुछ दिन में वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग आइए कोरबा से हैं, तो प्लीज़ आके देखिए, और सर से कॉन्टैक्ट करिए। सर आपका नाम? मेरा नाम रवि गुप्ता है, मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ यहाँ पर। ओके, तो प्लीज़ आके इनसे मिलिए और गाड़ी को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। थैंक यू।